some people are saying that this is a very confusing document. It creates a confusion among the people, and there is no any clear-cut roadmap, no any mechanism how to implement, how to go ahead about the universalization of education, quality, and as you said, that regarding vulnerable communities, marginalized children. So this is the very important challenges we are facing today in education, that is the equity and quality, and the policy has not been discussed addressed about these issues. तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और आर्टिकल्स भी अखबारों में बहुत आ रहे हैं और लोग इसके बारे में कह रहे हैं. मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ ये इस पॉलिसी के बारे में. एक तो ये कि ये 34 सालों बाद ये पॉलिसी आई है. पहली पॉलिसी आई थी 68 में जिसको एजुकेशनिस्ट ने बनाया था, और वो पॉलिसी आई थी जब उसके पहले ठीक 1966 में कोठारी आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जो भारत की आज़ादी के बाद पहला शिक्षा आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी. और कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बहुत काफ़ी अप्रिशिएट की जाती है आज भी. इट इज़ वेरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू इन रिगार्ड्स टू ट्रांसफॉर्म द होल एजुकेशन सिस्टम. और कोठारी कमीशन ने जो कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाए और 6% GDP का शिक्षा पर खर्च किया जाए, तो जो पहली 68 की पॉलिसी थी जिसको एजुकेशनिस्ट ने बनाया था वो कोठारी कमीशन की बहुत सारे रिपोर्ट्स को, बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस थे उसको कैरी फॉरवर्ड किया उसने. और वह एक बहुत ही चर्चित पॉलिसी थी. उसके बाद फिर 86 की पॉलिसी आई, तब तक काफ़ी चेंज हो चुका था और आप जानते हैं कि मार्केट ओपन हो गए थे, न्यू लिबरल एरा शुरू हो गया था और 80s के अंत में, और फिर कंप्यूटर और प्रोफेशनल स्किल्स और टेक्नोक्रेट्स वगैरह की ज़रूरत थी. तो 86 की पॉलिसी उस बदलते हुए सिनेरियो में डेवलप की गई, और उसमें एक्सीलेंस के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक, ये नवोदय विद्यालय का पूरा चेन अंडर द गवर्नमेंट सिस्टम, वी हैव स्टार्टेड डिफरेंट मेनी लेयर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. तो स्कूल्स तो हमने नवोदय विद्यालय बनाए बहुत सारे, और लेकिन फिर भी 86 की पॉलिसी ने भी कॉमन स्कूल सिस्टम और 6% GDP की बात को रिटरेट किया था. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कॉमन स्कूल सिस्टम वाज कंसीडर्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ब्रिंगिंग इक्विटी इन एजुकेशन, और उसके बारे में दैट इज ए कॉन्सेप्ट, दैट इज ए आइडिया हाउ टू ब्रिंग एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव, और कैसे स्कूल के स्पेस को हम इस्तेमाल करें जिस जो बच्चों को सोशलाइज करें डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस और बहुत सारे जो कास्ट रिलीजन कम्युनिटीज, इससे सबसे बच्चे आते हैं और एक स्कूल के परिसर में, वो पड़ोस के स्कूल में, नेबरहुड स्कूल में, और वहाँ पर जो है वो कैसे सोशलाइज होते हैं एंड कैसे वो एक दूसरे के साथ लर्न करते हैं. तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉमन स्कूल सिस्टम. बट दिस पॉलिसी है ड्रॉप्ड आउट दिस कॉमन स्कूल सिस्टम, इसने उसको बिल्कुल भी ड्रॉप कर दिया. हम कॉमन स्कूल सिस्टम लागू नहीं कर पाए जरूर, लेकिन हम उसको लगातार उठाते रहे हैं. एक ड्रीम, एक भारत का सपना, देश की जनता का सपना कि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा उसको रिटरेट करते रहे. लेकिन इस पॉलिसी ने उसको शामिल नहीं किया, उसको हटा दिया, उसको चर्चा तक नहीं की. तो इसलिए इस पॉलिसी ने जो दूसरी बात ये कि ये जो पॉलिसी तैयार हुई है पिछले 6 सालों से इस पर काम हो रहा है, और RTE फोरम ने शुरू से पहले जब 2015 में ये शुरू हुआ एक्सरसाइज एजुकेशन पॉलिसी बनाने की, Since then we are active into that. और हमने सुब्रमण्यम कमेटी को भी, फिर जब इनपुट में वेबसाइट पर आया तब भी हमने अपने बातें कही, और जब कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर को जो ड्राफ्ट पेश किया तो हमने देश भर में कंसल्टेशन किए और बहुत सारे
लोगों के रिकमेंडेशंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन हमने शिक्षा मंत्री को सौंपे थे और बहुत सारे लोगों ने सौंपे थे, टीचर्स एसोसिएशन ने, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशंस ने, एकेडमिक्स ने, बहुत लोगों ने इसको सौंपा था। और ये उम्मीद थी कि देश के सामने जो मौजूदा चुनौतियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 एक कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए देश में कानून लागू है और कानून 10 साल हो गया कानून के, तो ये हमने सोचा था कि कानून लागू नहीं हो पाया क्योंकि 12.6% स्कूल में कानून लागू है, 52% स्कूल्स हैं जिसमें हम पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधा और फंक्शनल टॉयलेट अगर तीनों मिला दिया जाए तो हम 52% स्कूल्स बना पाए हैं। फिर इसके बाद 8.3% स्कूल्स अभी भी जो है वो सिंगल टीचर स्कूल है। तो हमने सोचा था कि कानून क्यों नहीं लागू हुआ, कानून ने दो टाइमलाइन दिया था आपको मालूम है 2013 और 2015, लेकिन और अभी भी एलिमेंट्री लेवल पर 9 लाख पोस्ट आर वैकेंट, टीचर्स पोस्ट आर वैकेंट, तो व्हाई इट वाज हैपेंड, व्हाट इज द बैरियर इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन सब बातों पर चर्चा शिक्षा नीति में होगा क्योंकि शिक्षा नीति दिस पॉलिसी इज नॉट बिगर देन लॉ ऑफ लैंड, तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने और कंसेंसस से पारित किया है, तो उसका एक रिव्यू इस पॉलिसी में आएगा और फिर जो है कहा जाएगा कि इसमें क्या क्या और सजेशंस किए जाने चाहिए जिससे कानून लागू हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली दिस पॉलिसी हैज नॉट डिस्कस्ड मच अबाउट द आरटी एक्ट, ओनली एक जगह जहां पर कि प्रीवियस पॉलिसीज की चर्चा है वहां पर केवल कानून की चर्चा के लिए, जहां कह रहे हैं कि 68 पॉलिसी, 86 पॉलिसी एंड देन फंडामेंटल राइट एंड देन राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, दैट इज ओनली इन द रेफरेंस एंड इसके बाद ये जो है कानून की चर्चा नहीं है। और ये एक बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि एक शिक्षा नीति जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात कर रही है वो कानून की बात ही नहीं कर रही है, जो कानून इतने संघर्ष और लड़ाई के बाद, एंड दिस इज नॉट ए सिंपल लॉ, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो इसलिए आप इसको बहुत इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे शिक्षा नीति ने इसको इग्नोर किया, एंड एवरीबॉडी इज सरप्राइज, क्योंकि पिछला जो डॉक्यूमेंट कस्तूरी रंगन ने पेश किया था उस कस्तूरी रंगन के डॉक्यूमेंट में जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था उसमें ये बात कही गई थी कि स्कूल एजुकेशन को हम शिक्षा अधिकार कानून के जरिए लागू करेंगे और प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को उसके साथ जोड़ेंगे, उसमें जोड़ेंगे और कानून का एक्सटेंशन करेंगे फ्रॉम 3 to 18 years, एंड दिस वॉज द क्लियरली मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, बट इट इज ड्रॉप आउट नाउ। अब ये पता नहीं कि किसके प्रेशर में ये ड्रॉप किया गया, या तो जो फाइनेंशियल कोरोना क्राइसिस की वजह से जो उसका प्रॉब्लम हो कैसे का, या फिर प्राइवेट सेक्टर ने बहुत प्रेशर किया कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप जानते हैं कि शुरू से ही कानून के खिलाफ था, दे आर एडवोकेटिंग फॉर वाउचर सिस्टम, दे आर एडवोकेटिंग फॉर मोर कमर्शियलाइजेशन एंड दे आर एडवोकेटिंग फॉर द लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, सो अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए उनको कोई कानून के रूप में कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए, तो उनसे प्रेशर हुआ या क्या हुआ आई डोंट नो, बट दे हैव नॉट मेंशन आरटी, दे उन्होंने उसको निकाल दिया उस ड्राफ्ट से, और उसको निकाल करके फिर कहा कि ये यूनिवर्सलाइजेशन हम करेंगे, एज 3 से 18 तक के बच्चों की शिक्षा को यूनिवर्सलाइज के लिए। एक जगह उन्होंने लास्ट में जहां रिव्यू करने की बात की है वहां उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी शब्द का यूज किया है, अदरवाइज दे नेवर मेंशन द आरटी एक्ट एज वेल इन द ड्राफ्ट। अब ये कैसे करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन, व्हाट दे आर सेइंग इन द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट द नेक्स्ट ईयर वी विल हैव ए मोर मेजॉरिटी ऑफ द यूथ्स इन द पॉपुलेशन, और दूसरी बात कह रहे हैं कि हम SDGs को जो 2030 तक है उसको देखते हुए जहां पर कहा गया है कि
शिक्षा समावेशी हो और समान और गुणवत्तापूर्ण हो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, इसके लिए हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज करना है, पुनर्गठित करना, रिस्ट्रक्चर करना है. एंड दे आर सेइंग दैट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज द बेस फॉर एनी वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी. सो ऑल दीज बिग वर्ड्स आर मेंशन इन द पॉलिसी, बट फॉर व्हेन दे कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन देर इज नो एनी मैकेनिज्म. एक ही मैकेनिज्म हो सकता था और वो हो सकता था कि कानून को कैसे एक्सटेंड किया जाए और प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक शिक्षा एक जस्टिसिएबल राइट बन जाए, ताकि वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो. और हमने जैसे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कानून में नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तय किए हैं कि 1 किलोमीटर पर प्राइमरी और 3 किलोमीटर पर अपर प्राइमरी हो, इसी तरह से हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नॉर्म्स तय करें, रिसोर्सेज के लिए बात करें. ये सारी बातें जो है वो कानून बनने के बाद ही संभव हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 8वीं के बाद 40% ड्रॉप आउट है जब चिल्ड्रेन आर इन द ट्रांजिशन फेज बिटवीन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन. इट मीन्स बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के दायरे से स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं कर पाता और उससे बाहर हो जाता है. तो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है. तो जरूरत इस बात की थी कि आप अगर इसको कानूनी हक बनाते तो सबके लिए ये कंपल्शन होता और शायद भूल सुधार भी होता और शिक्षा नीति एक बहुत ही ऐतिहासिक कर्तव्य को पूरा कर सकती थी. अच्छा है इसमें कुछ कुछ बातें, जैसे जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को बहुत फोकस किया गया, पुराने जो शिक्षा नीति है उसके मुकाबले में बहुत. अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन is a very prominent issue in the international arena. Everybody is talking about early childhood. When you are starting talking about the quality education, you have to begin with the early childhood education. So, ये भी एक pressure था. तो early childhood education पर बात की है उन्होंने और ये एक बहुत अच्छी बात है. Midday meal के पर बात करते हुए breakfast को जोड़ा है, ये भी बहुत अच्छी बात है. तो कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये जो कानूनी हक नहीं बनाया, इससे वियाल और सर मतलब हम सब शॉक्ड हैं कि क्यों ऐसा किया, जबकि कमिटी ने ये कहा था कि हम इसको करेंगे. और ये कंफ्यूजन फैल गया है पूरे देश में कि यूनिवर्सलाइजेशन करने जा रही है. यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब कि कानून को एक्सटेंड करने जा रही है. दिस इज मिथ, दिस इज कंफ्यूजन. कोई कानून का दायरा नहीं उन्होंने दिया, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में हमको इसका इस्तेमाल अपनी एडवोकेसी के लिए करना चाहिए, फिर से रिइटरेट करना चाहिए. इफ वी हैव law for the 6 to 14 years, why not it is 3 to 18 years which was recommended by the Kothari, recommended by the Kasturi Rangan draft. तो ये बात हम आगे बढ़ाएंगे. अब जो दूसरा दूसरा सवाल उठता है वो ये है resources का. resources के लिए आप जानते हैं कि हम बहुत ही under funded है education system. हम कानून लागू नहीं कर पाए इसलिए कि हमने जो एडुकेट फंडिंग थी वो एलोकेट नहीं की, और इसलिए टीचर डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है. और अब तो जो माइग्रेंट बच्चे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स गांव लौटे हैं, उनके बच्चे अब प्राइवेट लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएंगे, उसकी फीस उनके पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, लाइवलीहुड खत्म हो गया, तो वो भी अब सरकारी स्कूल की तरफ वापस लौटेंगे. तो इसलिए ह्यूज डेफिसिट है और उस डेफिसिट का एक बड़ा कारण है कि वी आर नॉट एलोकेटिंग एडुकेट फंडिंग, एलोकेट रिसोर्सेज फॉर दैट. पिछली कस्तूरी रंगन कमेटी में ये जरूर बात उठाई गई थी, अपार्ट फ्रॉम 6% दे हैव सेड दैट दे विल डबल, दे विल मेक अरेंजमेंट टू डबल द एक्सपेंडिचर. जो 10% एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा के 20% हम करेंगे. ये वायदा कस्तूरी रंगन ड्राफ्ट कमेटी में ड्राफ्ट ने किया था, लेकिन उसको निकाल लिया इस शिक्षा नीति से. अब ये आपने बिना कोई टाइमलाइन, बिना कोई ये बताए हुए कि कैसे आप 6% करेंगे, यू जस्ट सेड दैट यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज एलोकेशन ऑन एजुकेशन अप टू द 6%. तो इसका मतलब कि आप, और ये कमिटमेंट हम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं 6%,
का, लेकिन शिक्षा भारत में वो इन्होंने 4% की बात की है, लेकिन मैं 2.8% पिछले दिनों देखा गया था, अभी वो 3 के इर्द गिर्द है। शिक्षा कभी भारत में 3% से 3 और 4% के जीडीपी के बीच में ही शिक्षा का बजट हमेशा रहा। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब एजुकेशन सेस लगाया गया था, दैट वाज द एडिशनल सोर्स फॉर द एजुकेशन एक्सपेंडिचर, अभी वो वहां से 65% फंड्स आर कमिंग फ्रॉम द सेस। इसका मतलब रेगुलर जो कलेक्शन है उससे हमारा शिक्षा में जो योगदान है जीडीपी का वो लगातार घटता चला जा रहा है। तो ये जरूरत थी इस बार की रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज इज द की फैक्टर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पॉलिसी या लॉ। अगर रिसोर्स नहीं आप देंगे, रिसोर्स नहीं आप लगाएंगे, एंड रिसोर्सेज विल डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटी इन योर बजट इन योर लिस्ट। अगर आपके शिक्षा पर आप पैसे नहीं दे रहे हैं, हेल्थ पर आप पैसे नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स इट इज नॉट द प्रायोरिटी एरिया फॉर योर वर्क, और आपका कमिटमेंट भी इसमें दिखाई देता है, लेकिन कभी भी शिक्षा पर उस तरह का। और इस पॉलिसी में भी कस्तूरी रंगन कमेटी ने एक बात कही थी जिसका हमने बड़ा विरोध किया था कि हमारे पास 10 साल का समय नहीं है, जब उन्होंने कहा था कि 10% से एक्सपेंडिचर को 20% किया जाएगा, डबल किया जाएगा 10 साल में। हमने कहा ये बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आरटी ने 5 साल की बात की थी, तो आप 5 साल से ज्यादा समय नहीं ले सकते। लेकिन आप देखिए कि उसको भी यहाँ से हटा दिया गया, तो रिसोर्सेज एक बहुत ही ग्रे एरिया है जिस पर इस पॉलिसी में कुछ भी कॉन्क्रीट कोई बात नहीं की। तो आरटी पर बात नहीं किया और इस पॉलिसी पे कोई बात नहीं की। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने स्ट्रक्चर में चेंज की बात की है, 10% 10+2+3 को अब 5+2 5+3+3+4 कर दिया। मैं अनीता जी आ गई हैं, तो अनीता जी मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा बेटर पेडागॉजी और कैरिकुलम और लर्निंग के इशू पर ज़्यादा वो बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें भी जो उन्होंने चेंजेज किए हैं उसके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट नहीं है। ये जो न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी मिशन बनाएंगे, फाउंडेशनल बनाएंगे, और ये जो फाउंडेशनल एज है 5 साल का, 5 जिसमें 3 to 6 एंड प्लस grade 1 grade 2 को मिलेगा, इसको भी इसके लिए कोई टीचर या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की। आंगनबाड़ी के से ही इस पे काम चलाएंगे, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग और 1 साल की। अब आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी को कितना जो है वर्कलोड है और कितना उसके लिए और उनकी कितनी दक्षता है कि वो एक टीचर के रूप में भी बच्चे को पढ़ा सकती हैं। और ऐसे एज ग्रुप के बच्चों को जिनके आप बारे में आप कहते हैं कि वो ब्रेन फॉर्मेशन की एज है और क्वालिटी के लिए दिस इज द प्रिपरेटरी एज फॉर द स्कूल, तो अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए फिर आपने क्या मैकेनिज्म किया, क्या अरेंजमेंट किया है, दैट इज द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई योर इंटेंशन दैट देयर आर मेनी क्वेश्चंस कमिंग अप रिगार्डिंग योर इंटेंशन ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि इसमें एक चीज जिस पर काफी आवाज उठ रही है, वो आवाज उठ रही है ये जो इन्होंने वोकेशनलाइजेशन और स्किल की बात की है, और ये कहा है कि ये बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम होगा और एक वोकेशनलाइज। अब वोकेशनलाइजेशन और स्किल की जो बात आपने शुरू किया वो क्लास 6 से किया, क्लास 6 से कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि इसमें जो है बहुत सारे जो लोकल काम है, जैसे जैसे आपका वीविंग है, जैसे कारपेंट्री है, या इस तरह के जो भी काम है, इसका इसका एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट और लोकल कमेटी, और वो क्लास 6 से शुरू करेंगे। तो इसमें काफी आशंका है लोगों को कि बच्चे ड्रॉप हो जाएंगे और ड्रॉप आउट होंगे, और दूसरा ये कि चीप लेबर मार्केट का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि हम अभी हमेशा से और एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट महात्मा गांधी हैज सेड इन नई तालीम। वो जो नई तालीम और बुनियादी शिक्षा की जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। इट इज इंटेंडेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इट इज इंटेंडेड टू पुश चिल्ड्रेन टू द चीप लेबर मार्केट। और ये क्लास 6 मतलब 12 साल की उम्र से
आप उसको वोकेशनलाइजेशन में डाल देंगे। और मुझे याद आता है कि जब चाइल्ड लेबर प्रोविजनरी रेगुलेटरी एक्ट में संशोधन हो रहा था और जिसका बड़ा विरोध हुआ था कि 14 साल के बच्चों का, और बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कहा था कि 14 साल के बच्चों की जगह स्कूल है, जो खेत खलियान और कारखाने नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि गरीबों के बच्चे जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, वो फिर आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाएंगे और वो फिर अपने उसी घरेलू पेशे में वापस चले जाएंगे। और ये इजाजत CLPRA ने दे दिया है अपने अमेंडमेंट के जरिए। तो जस्ट वी आर लुकिंग दैट दिस इज द एक्चुअली दे आर लिंकिंग दिस शिक्षा नीति टू अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट CLPRA में हुआ उसके साथ लिंकेजेस दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक पॉइंट जो है इसमें जोड़ा गया है। और फिर ये जो सोशली एसीजेड बनाने की बात है, और एकता आप स्क्रीन पर आ गई, मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ क्या? नहीं नहीं अमरीश जी, आई जस्ट नो नो आई जस्ट सॉरी आई जस्ट इंटरवीन बिकॉज मुझे लगा कि अनीता जी को एक बार वेलकम कर लूँ मैं फॉर्मली बिकॉज शी हैज जॉइंड। सो after a lot of struggle with technology she has finally been able to join and I thank her a lot for considering that and joining. So I just wanted to formally welcome her. That's it. I'm sorry Amrish ji intervened karne. Okay, hum sab Anita ji ko welcome karte hain aur unko sunna bhi chahenge. To main bas apni baat khatam kar raha hu ki ye jo inhone jo ye jo ACJET ka special education zone ki baat ki hai aur usme jo hai special फोकस करने का की बात किया है, आई डोंट नो कितना हेल्पफुल होगा वो, और उसमें आप अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को शामिल करने की बात कह रहे हैं और बैकवर्ड एरियाज में बहुत ज्यादा। मैं हम लोगों ने जो ये सोचा था कि देश भर में अगर 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 आप रिसोर्सेज दीजिए और इस तरह से हर इलाके में स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, और तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा स्पेशल अटेंशन की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको उसको देखना है कि आगे वो कैसे होता है। तीसरी बात जो इन्होंने एक और बात कही है स्कूल कॉम्प्लेक्सेज की, आपको पता है स्कूल कॉम्प्लेक्सेज का जो सवाल है वो कोठारी साहब का जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात करता है, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है क्योंकि इसको शुरू ही इन्होंने किया है कि 28% प्राइमरी एंड 14.8% अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसमें लेस देन 30 स्टूडेंट हैं। इट मींस द स्मॉल, क्योंकि कोरोना के पहले देश भर में 1 लाख स्कूल बंद हो गए, और इसलिए बंद हो गए कि केवल इसलिए नहीं बंद हो गए कि बच्चे कम हैं, बहुत सारे कारणों से बंद हो गए, बहुत सारे प्राइम लोकेशन पर जो स्कूल थे बिल्डर्स ने वो लैंड को भी कैप्चर करना चाह, और ये सरकार ने बंद किए, मतलब सरकार अपने स्कूलों को मजबूत करे, बच्चों को वापस लाए अपने स्कूल में लो कास्ट प्राइवेट स्कूल से, उसके लिए टीचर्स दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, बजाय इसके सरकार ने एक साथी प्रोग्राम चलाया, नीति आयोग ने एक साथी प्रोग्राम चलाया विद द हेल्प ऑफ बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप एंड पिरामल फाउंडेशन, एंड दे हैव मेड दिस लिस्ट कि कितने स्कूल देश में 45,000 स्कूल्स, एक स्कूल बनाना किसी गांव में किसी इलाके में, आप राजस्थान के जिन इलाकों में काम करते हैं उदयपुर के अगल बगल, वहां पर लोग लड़ रहे हैं बहुत जमाने से कि हमारे पास एक स्कूल बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। उसके एक इलाके में मैं गया था, मैंने देखा कि 6-6, 7-7 किलोमीटर जहाँ चाइल्ड फंड के लोग काम करते हैं, 6-6, 7-7 किलोमीटर चल के जो है बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल नहीं है, और आपने 45,000 स्कूल बंद कर दिए और आप कहते हैं कि वो कंसोलिडेशन है, मर्जर है। तो ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है उसने उस कंसोलिडेशन पे मोहर लगा दी है, और उस एरिया में जो इस तरह की स्कूल है जहाँ कम बच्चे हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सारे हिली एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, और बहुत सारी जगह है जहाँ बच्चे कम हैं, और बहुत सारी जगह जहाँ आपने अलाउ किया है प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, बच्चे जो है वो उधर चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास टॉयलेट तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, तो चले जा रहे हैं। उनको वापस लाना और स्कूल को मजबूत करना और नेशनल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो कोठारी साहब कहते थे अपने कमीशन के रिपोर्ट में, वो इस्टेब्लिश करने के बजाय
आप स्कूल बंद कर देना, और उसके लिए आपने दो प्राइवेट कंपनीज को, पिरामल फाउंडेशन और बोस्टन कंपनी को लगा रखा है कि वो देश भर में पता करें कि कौन स्कूल इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उनको बंद कर दिया जाए। तो इस तरह की बात इस कॉम्प्लेक्स के में भी कही गई है। और इस अब ये रिसोर्स शेयरिंग के नाम पर अब देखा जाए तो एक लाइब्रेरी और एक लैब जो है वो कई स्कूल का काम चला सकती है, एक प्लेग्राउंड कई स्कूल। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी हार्मफुल। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें इसमें इन्होंने शामिल किया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी, दिस इज मोर अबाउट द प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कानून इस सब को किनारे कर रही है। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन, आप जानते हैं 50% बच्चे हमारे देश में, शिक्षा मौलिक अधिकार है और हमारे देश में शिक्षा का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, उसके बावजूद भी 50% बच्चे पे करते हैं अपनी शिक्षा के लिए प्राइवेट सेक्टर में, एंड द प्राइवेट सेक्टर दे डोंट एग्री विद द रेगुलेशन, कहीं वो रेगुलेशन नहीं चाहते। और बहुत सारे जगह पर हमने इस कोरोना क्राइसिस में भी देखा, उन्होंने फीस हाइक किया और कैसे किया। तो प्राइवेटाइजेशन इज रैम्पिंग इन द कंट्री और बहुत तेजी के साथ। और ये जो नई टेक, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का ही एक टूल है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सेस 27% है केवल NSSO के मुताबिक, तो इसका मतलब 73% तो गरीब बच्चे जिनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, जिनके पास डिवाइसेज नहीं है, वो तो इससे बाहर हो गए, पूरे शिक्षा के दायरे से बाहर हो गए, वो राइट टू एजुकेशन से ही बाहर हो गए। और उसके लिए डिजिटल कंपनी सरकार को कन्विंस कर रही है कि वी विल फिल अप दिस डिजिटल डिवाइड, हमारे डिवाइसेज आप खरीदिए और मुफ्त में लोगों को बांटिए। तो बिजली नहीं है और बैंडविड्थ नहीं है और चार्ज कैसे करेंगे, ये सब और फिर बहुत और पेडागॉजिकल इशूज भी हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। और एक जो शिक्षा का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है सोशलाइजेशन का, कनेक्ट करने का, जो सोशल कनेक्ट का, वो सब भी इस डिजिटलाइजेशन से हार्मफुल हार्म पहुंचेगा। और दूसरा ये कि डिजिटल एजुकेशन अगर एजेंसी चेंज हो गई तो शिक्षाविद और कम्युनिटीज के जरिए ज्ञान के स्रोत जो है ये डिजिटल कंपनी जो जाएगी, ये सब भी बहुत खतरनाक पहलू है। तो इसलिए मैं ये और ICT और टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर, वी आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी एंड ICT, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं, हम ये जो ICT है उसके पक्षधर हैं। एंड यू इंट्रोड्यूस एज ए सब्जेक्ट एंड इफ दे आर कमिंग टू द हेल्प टू द हेल्पिंग टीचर्स, और तो वो हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं। बट इफ यू आर रिप्लेसिंग एज ए परमानेंट सोल्यूशन एक पेंडेमिक में, तो चलो ठीक है, आप ऑफलाइन पर भी आप बात कीजिए, ऑफलाइन के लिए भी आपको काम करने की जरूरत है, तो आप पेंडेमिक में फॉर टाइम बीइंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट सोल्यूशन के रूप में बनाना शुरू किया और आप टॉयलेट नहीं बना पा रहे हैं लेकिन डिवाइस खरीदने के लिए सरकार का पैसा पब्लिक मनी इन्वेस्ट करना शुरू किया, दैट इज दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। तो ये बातें मुझे आपसे कहनी थी। और शिक्षा बहुत संकट में है और खासतौर से गरीब बच्चों की शिक्षा बहुत संकट में है, और लोग ये देख रहे हैं कि 20-25% का ड्रॉप आउट हो सकता है अगर इसी तरह की हालत बनी रही और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। तो चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, ये बहुत सारी बढ़ सकती है। और शिक्षा नीति में कोई ऐसा उपाय नहीं है दिखाई दे रहा है जिसमें कि वल्नरेबल बच्चों को बहुत जगह दी गई है। अगर उनको कानूनी हक देते और रिसोर्सेज की बात करते और तब शायद मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती थी, लेकिन इस मामले में इस शिक्षा नीति ने निराश किया है। बस इतनी बात कह करके और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि अनिता जी आ गई हैं और अनिता जी से ज़्यादा परफेक्ट और अथॉरिटी जो है इस क्षेत्र में और कम लोग होंगे, तो इसलिए अनिता जी को ही हम सुने तो ज़्यादा बेहतर। थैंक यू, थैंक यू सो मच अमरीश जी, थैंक यू। आपने यू हैव रेज्ड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ इन दिस होल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज गुड दैट दे आर फोकस्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड देर आर सम थिंग्स विच हैव बीन फोकस्ड, बट ओवरऑल हाउ द एसेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एज एन एक्ट एंड हैज बीन मिस्ड आउट। सो आई वुड नॉट टेक एनी मोर टाइम एंड आई विल रिक्वेस्ट अनिता जी to
please help us understand with the kind of strong experience that she has, and I think like Amriji said, she is the authority on this. Very few people can talk about it in the way she can explain how it is going to impact actually the learning for what the whole education setup is. Anita ji, please. Thanks, Ekta. I missed a lot in the earlier part as to what were the issues discussed. Hindi mein bolu ya angrezi mein, what would you prefer? Mixed, actually we are bilingual. Okay. So the issue here is that it is not just that the essence of RT is missed, it is actually a travesty of RT. RT को खत्म करने के लिए जो जो भी चीजें लाए हैं वो ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है कि RT क्या है, सिर्फ हम ही जानते, पर उस कानून उस मौलिक अधिकार के साथ पूरा उसका हनन करने का यहाँ इंतजाम है. सो दैट वी मस्ट बी क्लियर बिकॉज इट इज इट्स ऑल्सो चेंज द लैंग्वेज. आई मीन इट्स सेइंग यूनिवर्सल एक्सेस विच इज अ लैंग्वेज एंड इट्स सेइंग बाय 2030. तो ये जो टाइमलाइंस रखनी है और यूनिवर्सल एक्सेस मतलब हमने स्कूल बना दिया अब आप आए चाहे ना आए, ये जो भाषा है ये आरटी की पहले की भाषा है. तो ये उस भाषा को अपना लिया इन्होंने, बहुत स्पष्ट है. एंड दे डोंट टॉक अबाउट आरटी, दे इनफैक्ट उसकी कमियां गिनाते हैं. दे से हाउ दे हैव टू लूजन द रिस्ट्रिक्शंस एंड नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट जस्ट व्हाट दे आर सेइंग बट व्हाट दे आर प्रपोजिंग. They are proposing that in the first 5 years, in fact, they are misleading because jab wo dikhate hai ki structure kya tha, they say earlier there was a 10-year structure, which is wrong. The RT, he had clearly worked on an entitlement of first 8 years of the style schooling. So class 1 to class 8 or age 6 to 14. जिसमें फर्स्ट 5 years आर नॉर्मली अंडरस्टूड एज प्राइमरी एंड अपर अदर 3 एज अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूल. सो ये जान के उसको मिसलीड करने के लिए एक 10 साल का बॉक्स बना दिया है. और अब ये उसमें से भी दे आर ट्राइंग टू टेक अवे द फर्स्ट 2 years एंड दे आर क्लबिंग इट विद एन आंगनवाड़ी. देर इज नो लॉजिक फॉर दिस, देर इज एब्सोल्युटली नो एजुकेशनल लॉजिक टू से दैट वी नीड टू क्लब दिस. And they are also saying that this has nothing to do with infrastructure. Ye pedagogical or curricular is ka reason hai, which makes absolutely no sense. So the only thing is that because in the Anganwadi, we don't have a trained teacher. They're not even 10+2 school completed workers over there. And they have their own struggle about trying to get better wages for the work they do. But education is a very, very poor component of that. Nutrition is more important. And now to say that the same worker will teach and that even class 1 and 2 can be clubbed over there, which means we are actually trivializing. It's a minimalization of the early curriculum, which is very damaging. And we know that this is mostly going to happen in the government school because the other schools, the private schools, they have everything. They have a play school, phir wo nursery hai, wo KG hai. और तो इसलिए जो भी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे वो तो अपने सिस्टम से चलेंगे. हम नहीं कह रहे कि वहाँ पेडागॉजी बहुत अच्छी है, बट वी आर सेइंग दे विल हैव मोर पीपल टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, परहैप्स सम मोर ट्रेन्ड पीपल इन द मोर एक्सपेंसिव स्कूल्स. बट इन गवर्नमेंट स्कूल्स दे आर ट्राइंग टू मिनिमलाइज इवन द गिवन करिकुलम एंड दे आर सो दिस स्ट्रक्चर बीइंग रीऑर्डर्ड मेक्स एब्सोल्युटली नो एजुकेशनल सेंस. Structures don't change so easily. We know that RTE had said that 8 years should be a composite part of schooling, but there are many states, including Kerala, where elementary school is 7 years because primary is 4 years. And that hasn't changed. That hasn't changed for so many decades. So whether it's Gujarat or Kerala, so now expecting that these structures will change in Maharashtra, the class 11 and 12 is in a college, in junior college. In Bihar, it may be in an intermediate college. So all these things are actually based on the context of the state. So another damaging factor that is coming in is centralization. In fact, this policy from the last few drafts that we have seen, especially last year's draft,
which was very, very dangerous, that it was actually proposing a Rashtriya Shiksha Ayog, which is a centralized body completely under government control and in fact chaired by the Prime Minister. So constitutional experts had raised this question that this actually goes against the separation of powers in the constitution that has been stated in the constitution, what the executive can do and what they are trying to do this for governance. But we know it's a federal structure. We know that it's a concurrent subject. So trying to centralize it, whether in curriculum, whether in governance, whether in trying to do entrance tests, whether in doing central tests for class 3, class 5, class 8, all this is actually against the federal structure of our governance. So that should be questioned by the states, but they have deliberately pushed this in at a time when even the parliament was not given an opportunity to debate these issues. So the intentions can raise questions. You know, what is, for 6 years, a policy has not come, and now suddenly during the most dangerous pandemic, during the most sort of harsh kind of situations which people are facing, educational institutions are closed. In this kind of a situation, with the parliament not being called, why is a policy being pushed through? And even the document of that policy is not available on the day that it's approved. So it is in the entire context that we see these, what is written, not just in terms of what it means, is it going to extend the RTE or not? In fact, we know that very eminent political commentators, media commentators thought that the RTE was being extended. So this is a kind of, a media impression that is being created. Whereas when we see what is in the document, and we see also in the past, for instance, when the document says ki hum curriculum ko kam kar denge, bojh uska kam kar denge, aur hum uska sirf core, jo mool uske essentials hain, sirf usko rakhenge. To core essentials kaun decide karta hai? Humne dekh liya ki jab CBSE ne COVID के समय का जो यहाँ स्कूल बंद है उसको बचाने उसका पाठ्यक्रम कम करने की कोशिश की, तो हमने देख लिया कि क्या क्या निकाला, चुन चुन के कौन से चैप्टर्स निकाले हैं. तो इसलिए ये बहुत एक संदर्भ में देखने की जरूरत है कि कौन तय करेगा कि सबसे मूल बात क्या है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर ही मूल नहीं है, और अगर डेमोक्रेटिक राइट्स और जेंडर एंड कास्ट एंड पीपल्स मूवमेंट्स अगर वो बहुत जरूरी अहम नहीं है, तो फिर कौन तय करेगा कि क्या अहम है. सो द सेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी डैमेजिंग. एंड एज यू नो, यू वर्क इन डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स की अलग अलग संदर्भ है, वहाँ किस तरह से ये टीचर्स को तैयार किया जा रहा है, टीचर एजुकेशन के क्या प्रोविजन है, दैट हैज टू बी लुक्ड इन. Again, this policy is trying to completely wash down on teacher education. On the one hand, they are saying ki haan, 4 saal ka B.Ed aayega, and that everyone will have to do a B.Ed. But on the other hand, the continuous professional development component is very problematic, because again, it says it's modular, it's flexible, it's open. Aap jo marzi modules le lijiye, aap online kar lijiye. So as soon as we hear the word flexible, we know that there are going to be problems, because now quality can be compromised. Kyunki agar har kuch ko aap jagah de rahe ho aur har koi teacher education ke kuch modules bana sakta hai, sab online kar sakte hain, to hame uska bhi ehsaas hai. Hum jante hain ki Delhi mein bhi SCRT आजकल ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस ट्रेनिंग्स, एक्टिविटी इंगेज ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, वो भी एप्स पे कर रहे हैं, विच आर प्राइवेट एप्स. सो आवर बेस्ट टीचर्स हु नो बेटर देन व्हाट दीज एप्स आर टेलिंग देम हैव टू आर कंपेयर्ड टू यूज एन ऐप एंड देन उसका कुछ वीडियो देखो, कुछ सवाल के उत्तर दो और सर्टिफिकेट ले लो अपने फोन पे. सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू से दैट एजुकेशन for the majority can be run through online, open apps, privatization coming in through all different forms, is what is completely against RTE and completely against the mandate of a fundamental right
as a, in a public, good quality, equitable quality public education system. So I think that is where we stand. This is something that is going to be of the utmost importance कि इन्होंने constitution के साथ कैसे इस तरह इस चीजों को लाए हैं, जो आज constitution कह रहा है, जो आज RTE कह रहा है, उसके होते हुए how have they brought these things? How have they said that even open school can offer courses A, B, C, which is grade 3? अब ग्रेड थ्री में आप कहते हैं बट ओपन स्कूल से एग्जाम लेंगे तो आप क्या कह रहे हैं? खिलवाड़ करके नियत को नहीं बदला जा सकता। Why is a family, why is a child deprived historically? Geographically, linguistically, socially, what is it? So, jo policy isko manne ke liye tayar nahi hai, we have to train, when we orient our teachers and we, in our teacher education programs, we spend a lot of effort for our teachers to understand that diversity is not just singing different songs and wearing different clothes. I mean, diversity is also disadvantage, is also deprivation, is also exclusion. And how will a teacher understand what a Muslim child is going through? Aaj ke mahol mein, ek Muslim bachche ke liye school aana aur baki sab bachchon ki nazron mein apne aap ko samman se dekh paana, apne aap ki apekshaye ko kayam rakhna, kaise sambhav hoga? Jab tak ye system aur teachers nahi samjhenge ki ek Muslim bachche hone ka aaj matlab kya hai? So I think when a policy refuses to even name these things, it's not talking about caste, it's not talking about Dalit, it's not talking about a Muslim child, a minority religion, ke bacche ko hone ka matlab kya hai. So clubbing everyone, sabko ek bakse mein dalkar SEDG bula do, last year ke draft mein URG bula do, koi bhi shabdavani istamal kar lo, koi acronym istamal karne se, ye sara itihas aur ye samajik जिस तरह से एक्सक्लूजन रहा है इस पे तो नहीं हम पर्दा डाल सकते। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता है, हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि हम ही इस मसले से जूझ रहे हैं कई सालों से। जब हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि शिक्षा इज नॉट जस्ट फॉर द अर्बन प्रिविलेज मिडिल क्लास होम, क्योंकि पहले के टेक्स्ट बुक्स और पहले के सिलेबस सिर्फ इन्हीं के लिए बनते थे। और जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया और उसने कहा कि हर बच्चे के ज्ञान को जगह मिलनी चाहिए, दैट इज व्हाट एजुकेशन इज, चिल्ड्रन ब्रिंग इन मच मोर नॉलेज, अ चाइल्ड फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, अ चाइल्ड फ्रॉम एन एग्रेरियन बैकग्राउंड, अ चाइल्ड फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड हैज मच मोर नॉलेज देन इवन मे बी अ चाइल्ड हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, पर उसके ज्ञान को जगह नहीं मिल रही है। एंड दैट इज व्हाई द लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। What language does a child first read and write becomes very crucial. हमारा जो media है, जो हमारे middle class, जो urban privileged homes हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि अंग्रेजी के बिना हर कोई वंचित रह जाता है, not understanding that the first language is a language in which you see the world. आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझते हैं, दुनिया से जूझते हैं और लोगों से, दुनिया से रिश्ता बनाते हैं। And that language, if you learn to read and write, then the second language is a completely different cognitive process.
एंड सो रीडिंग एंड राइटिंग, नॉट ये पॉलिसी ने पहले कहा कि बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोल लेते, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेसी इन अ लैंग्वेज एंड हाउ डज दैट हैपन. सो आई थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस पॉलिसी इज नॉट giving any commitment. In fact, it's taking away the mandate and the promise and the right of children who come from long, long backgrounds of deprivation, exclusion, inequity. And so if we have to really challenge that aspect of the policy, the centralization, the opening up of the market and allowing everyone to come, I mean, just to call it alternative models, yeah, just to call multiple pathways, does not mean a child in grade 3 should be doing education through open education, through open schooling. Aaj bhi ye jo digital system ko badhawa mila hai pandemic mein, this is so insensitive, it is almost cruel for a large majority of our children. Pehle hi unke gharon mein is tarah ki nirasha hai, aisi घबराई हुई घबराहट है, ऐसी मानसिकता है. देर आर एंग्जाइटीज ऑफ हैविंग लॉस्ट जॉब्स, ऑफ हैविंग लॉस्ट पीपल, ऑफ हैविंग लॉस्ट इवन फूड एंड योर बेसिक एसेंशियल्स. और उस तरह की मानसिकता में एक इस तरह का आप दबाव डाल दो कि अगर तुम्हें शिक्षा चाहिए तो केवल उस शर्त पे कि तुम फोन खरीद लो या तुम लैपटॉप खरीद लो या तुम उतने महंगे इंटरनेट कनेक्शन खरीद लो. आई मीन हाउ कैन अ गवर्नमेंट बी सो insensitive to this kind of a situation, the pandemic in which families and children are losing livelihoods. So isliye bahut spasht hai ki aise parivaron ke liye, aise bachchon ke liye ye policy to inko bilkul nazar andaz kar rahi hai. NCERT ka syllabus jo ab covid ke liye bana hai, wo keh raha hai everyone has a phone. वो किस दुनिया में रहते हैं जो लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स, नेशनल डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं. एंड दे हैव सेड जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, दे शुड बी डूइंग दिस एजुकेशन थ्रू एसएमएस. डू वी कॉल दैट एजुकेशन? सो आई थिंक वी हैव टू चैलेंज. वी वर्क ऑन द ग्राउंड एंड वी वर्क फॉर मीनिंगफुल, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड एंड टू गिव द चाइल्ड द फीलिंग दैट ही और शी can, is expected to do very well. The child has the agency. The child will not be called a slow learner. The child will not be called a new raider. Ya nishtha, ya is tarah ke tamam bilkul beizzat karne wale jo shabd istemal ho rahe hain school system mein. Ek test leke unko keh dete hain ki tum slow learner ho, tum new reader ho. This does not motivate a child. That child needs much more. We need to have greater expectations and we need to be more nurturing towards those children. And I think that we know better than what, than the people who are writing this policy. So we have to challenge them on all this. We have to question. And I still think ki jab tak abhi states mein bhi baatcheet nahi hui hai, states have to look at this. They have to be implementing these. We must do enough campaigns with policymakers, with politicians, with administrators, educators in states to raise this issue that this is going to be really a travesty on a child's right if such a thing comes through. I think hamara samay ho. Thanks. Thanks so much, Anita ji. That was really, really, really very enriching in terms of what is needs to be read in between lines also to understand policy in a whole sense and in the content to keep it in the context in which it has come out and in the context it has been framed and all. Thanks so much. So if we can have some more time, like 10 minutes or so, can we just have some questions? Yeah, if people have? Yeah. So anybody who has a question, I'll just request you to either type it in the chat box or raise your hand and then we can unmute whoever wants to ask the question. No questions? A question.
question or an observation or a comment? Yeah. Hello. Yeah. Okay. Hello. Okay. This is Ajay from Udaipur. मैम एक्चुअली मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं पे एक मेंशनिंग है कि एनजीओ की भी इसमें कुछ भूमिका हो सकती है, तो वो किस तरीके से, मतलब पॉलिसी उसको किस तरीके से देख रही है और क्या रोल मतलब एनजीओ इसमें निभाने वाले हैं? वो एनजीओ कौन है उस पर भी निर्भर करता है। आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ सालों में कौन से एनजीओज हैं, बहुत बड़े पैसे वाले एनजीओज भी हैं जो पॉलिसी को ही बनाने में ये दिशा देते हैं। तो इसलिए एनजीओज नहीं, वो कहते हैं पब्लिक स्पिरिटेड फिलैंथ्रोपिक, ऐसे शब्द के जो लोक उपयोगी काम कर रहे हैं वो लोग इसमें जुड़ेंगे। पर अभी और कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, कि हो सकता है कि ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल चलाने में भी अभी भी चल रहे हैं जो अफिलिएट नहीं करते, सिर्फ ओपन स्कूल के साथ अफिलिएट करते हैं, जो आरटीई के किसी भी मापदंड पे खड़े नहीं उतरते, वो हजारों स्कूल चला रहे हैं। इसलिए उनके लिए ओपन स्कूल बहुत जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ ओपन स्कूल से कराते हैं। जैसे कि अभी मुझे जैसे पता चला था कि झारखंड में सेव द चिल्ड्रेन और प्लान इंटरनेशनल, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन में, एजुकेशन पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भूमिकाएं दी हैं, तो वो उसी संबंध में मैं पूछ रहा था कि मतलब क्या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको मतलब किस तरीके से भूमिका दी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में एमओयू पहले दिन से था सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन का और प्रथम का, और इन्होंने दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो एजुकेशन की संस्थाएं हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी को नहीं जोड़ा है, किसी से सलाह नहीं ली है, सिर्फ सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन तय करता है। तो ये तो बहुत अपने में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये एजुकेशन कैसे तय करेंगे इस तरह की संस्थाएं। जी, थैंक यू मैम। अनीता जी, व्हेन आई एम सीइंग द चैट बॉक्स, देयर आर क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस अराउंड मदर टंग बेस्ड लर्निंग। सो आई मीन इफ आई कंबाइन द क्वेश्चंस, इट इज अराउंड व्हाट इट एक्चुअली मींस and is it possible for a child to learn English at higher grades, and whether the policy addresses it in the real sense, like what actually a mother tongue based learning would mean, does it talk about like that in that sense? This policy is not saying anything new, all our policies have said the same thing. Even the Right to Education Act has said it should be mother tongue, baad mein usme char word add kiye the as far as possible, क्योंकि सबको कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था इसको लेके, इसलिए एज फार एज पॉसिबल कह दिया गया था। ये पॉलिसी भी वही कह रही है, तो पॉलिसी कुछ नया नहीं कह रही है, वो जो फॉर्मूला है जो ये कहते आ रहे, सिर्फ ऑल रिसर्च टेल्स अस दैट इफ द फर्स्ट लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, घर में संबंध बनाते हैं, if you read and write in that language, then your own development, your language, cognitive, your whole development makes is much better, and then any second or third language that you learn to read and write, you do much better. And uske liye samay nahi chahiye hota ki 10 saal ke baad aap angrezi sikhoge, it's nothing like that. So one, it depends on the pedagogy ke jo padha rahe hain, they understand ki first language ki pedagogy aur second language ki pedagogy mein kya farak hai. Hamare system mein kahin farak nahi hai, dono subjects hain, dono mein wahi rato aur wahi likho. तो केरल में जब बच्चे मलयालम इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं, समझते हैं, और गहराई से उसमें कई उनके उनकी अपनी समझ बनी हुई है, लिखने में नहीं कर पाते थे क्योंकि लिखने में पढ़ाया इतनी बुरी तरह जाता है कि वो ऐसे कटे कटे शब्द लिखते हैं। तो इसलिए द राइटिंग, द पेडागॉजी ऑफ रीडिंग एंड स्पेशली द पेडागॉजी ऑफ लिटरेसी इज वेरी वीक इन आवर कंट्री, एंड जस्ट टीचिंग अल्फाबेट्स डज नॉट अलाउ यू टू रीड एंड राइट। सो बट द people know how to do it, how emergent literacy has to be taught, is understood, and if we do that, and I'm sure aapke bhi kuch log isse karte honge is tarah ka kaam, but if we do that, then the second language pedagogy, if we use a language pedagogy which is for the second language, children learn English really well, and in other countries we have enough experience to show that.
Even in our own country, आप जब भी जो पॉलिसीज पहले पढ़ती हैं, जो भी आप पॉलिसी पढ़ते हैं, जो भी ऑथर्स जिनको आप 1940s, 50s से बहुत बढ़िया ऑथर्स मानते हैं, या टैगोर है, या कोठारी कमीशन की पॉलिसी, या मुदलियार, ऑल दीज पीपल हु रोट दीज पॉलिसीज हैड लर्नड इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड देन दे वर राइटिंग इन इंग्लिश. सो इट इज जस्ट दैट फर्स्ट लैंग्वेज की अपनी कितनी फ्लुएंसी है, कितना कॉन्फिडेंस है, और उसको कैसे सीखा गया है. एंड देन सेकेंड लैंग्वेज यू ऑलवेज लर्न मच बेटर. एंड इन सम प्लेसेस सेकेंड लैंग्वेज मे नॉट बी इंग्लिश, इट मे बी अनदर लोकल द रीजनल लैंग्वेज, एंड द थर्ड लैंग्वेज मे बी इंग्लिश. बट द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज नॉट अ फॉर्मूला सो मच फॉर लर्निंग, क्योंकि हमारे जो लोग लैंग्वेज के बहस में आज उलझ रहे हैं, वो सब कोई भी उसको एजुकेशनली नहीं देख रहा, including the Dalit groups, including Kanchanalaya, जो कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश चाहिए क्योंकि इंग्लिश लिबरेटिंग है, क्योंकि वो उसको एक लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, because they thought it was only the British who came and allowed them access to education, which the typical Brahminical system did not allow. That's why they look at English as a liberating language. But that is educationally, pedagogically not really appropriate. So I think we need to have debates on understanding this, because people are only taking a political kind of view. नहीं, अंग्रेजी नहीं करेंगे तो फिर वो पिछड़ जाएंगे. That's not true. So इसलिए I think this has to be. And the three language formula said that जो हिंदी भाषी states नहीं हैं, अगर वो हिंदी use कर रहे हैं as a second language, तो जो हिंदी भाषी states हैं, वो एक दक्षिण भाषा use करेंगे. No state did that. Yeah. किसी भी हिंदी भाषी स्टेट ने ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को कभी नहीं लागू किया. सो दिस अगेन इज मेंट टू बी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. या एंड आई थिंक इट आल्सो समवेयर आल्सो लिंक्स विद, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल जनरेशन इज देयर, लाइक कंटेंट एट अ हायर लेवल. What is the availability of content in various languages? And especially, I think, because we are working in many tribal areas, we are also seeing on field that when we are talking even about mother tongue, the tribal languages are not taken as a language. They are often discarded as dialects. And so that is again in our country, there are tribal languages now in some states, which are actually have even textbooks in those languages. So I think there's no question of your dialect or bhasha ka to debate alag ek hegemony hai. Every language is a language. There's nothing called boli. Every language is a language. Thank you so much. There are a lot of questions. Okay, there are, and I would also request Amrish ji to also pitch in where he feels that he wants to address the questions. There are questions on how NEP is going to shape higher education in India, and what the policy talks about no detention policy, and because there is also a lot of buzz around, you know, it has made the 10th board easier and it has become more easy for what we have come is from a no detention stand, where we said no exams and only continuous and comprehensive evaluations of to be done for the children. So that is why there are these questions. We never said no exams. Yeah. We never said no exams. But do it school, more comprehensively. Yes. Not yeah, board exams. School annual exams. They could do that. So ye myth hai ke no exams. Isko mat phailaiye. School exams ho sakte hain. I meant till grade 8, Anita ji. I meant that. Till grade 8, आप school के annual कर सकते हैं. कोई ऐसा RTE ने उसके लिए कुछ नहीं कहा था. RTE ने सिर्फ board exam के लिए कहा था. So yes. ये जो no exam कहते हैं, ये जान के कहते हैं, because then that creates an opposition to RTE. So yeah, about these questions, Amrish ji, also if you want to also come in on these questions, and then there are some questions on migrant, a lot of migrants who are working in other states, how would mother tongue based learning be possible for them to be operationalized? That is also a question. Okay,
तो एक तो ये कि अनिता जी हैज रिप्लाइड ऑन दिस लैंग्वेज इशू बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू एंड ये जो है कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे. हो सकता है आपके जो लोकल लैंग्वेज है और आपके घर में बोले जाने वाली लैंग्वेज में फर्क हो, तो हाउ कैन यू गो अहेड विद दैट. तो ये लैंग्वेज का इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है, आगे देखते हैं कि, लेकिन ठीक है, ये इसमें ये अच्छा है कि मदर टंग और लोकल लैंग्वेज और इसको जो है अहमियत दी गई है. और ये बहुत पुरानी बात है, वो अभी की नहीं है. पिछली बार इन्होंने अपने ड्राफ्ट में बदल दिया था, हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की थी. एंड यू माइट नो दैट तमिलनाडु हैज रेज्ड इट, कम आउट, ये कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड दे अपोज्ड इट. तो इसलिए फिर से इनको वापस लौट करके ये करना पड़ा. तो एक तो लैंग्वेज का इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है. और ये हायर एजुकेशन का जो सवाल है उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बट हायर एजुकेशन में डीरेगुलेशन एंड सेंट्रलाइजेशन मोर एंड मोर, यही कॉन्सेप्ट है वहाँ. जैसे आप देखिए कि वहाँ पर जो कुछ जो उन्होंने कहा है कि 26% से GER को बढ़ा के 50% करना है. तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट इफ यू आर क्लोजिंग डाउन द लेस नंबर ऑफ कॉलेजेस और आप कहते हो कि 3000 से नीचे के कोई कॉलेज को अलाउ नहीं करेंगे, तो बहुत सारे एरियाज में कॉलेजेस बंद हो जाएंगे. तो फिर ये जो GER आपने बढ़ाने की बात की है, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है. बिकॉज मेनी पीपल दे आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द कॉलेजेस बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड गर्ल्स एंड पुअर फैमिलीज दे कांट सेंड देयर चिल्ड्रन टू द कॉलेजेस इफ दे आर नॉट इन नियर बाई. तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है. दूसरा ये कि बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिए हैं हायर एजुकेशन में और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हाईएस्ट लेवल पर बना दी है, तो वो स्ट्रक्चर्स भी कैसे काम करेंगे. और ऑटोनॉमी की बात कर दी है, तो उसमें फाइनेंस ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो इस तरह से कॉलेजेस को कहा जाएगा कि आप अपने पैसे से अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी चलाइए. इसका मतलब कि हायर एजुकेशन महंगी होने जा रही है और जवाहरलाल नेहरू जैसी यूनिवर्सिटीज के आप कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं जहाँ की सब्सिडाइज रेट पर बच्चे आकर के और दूर इलाकों के, अलग अलग इलाकों के गरीब परिवारों के बच्चे और पिछड़े इलाकों के बच्चे, तरह तरह के रिजर्वेशन उनको है वहाँ JNU में और इस तरह से आके पढ़ सकते हैं. अब वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सब जो है ऑटोनॉमस हो जाएंगे. और ऑटोनॉमस का मतलब ये कि बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में नहीं, फाइनेंस में ऑटोनॉमस करने की बात कह रहे हैं. तो इस तरह का हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर कभी डिटेल से हम लोग चर्चा कर सकते हैं. और क्या आप बोल रही थी एकता? और तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवालों का जवाब अनिता जी दे चुकी है. I think एक कुछ जो आ रहा है वो ये भी है कि अब आगे क्या, so then what needs to be done as a civil. That is the important thing. कई जगह मुझसे लोगों ने पूछा कि ये RTE और RTE को नजरअंदाज करके इस पॉलिसी ने शेप लिया है, तो अब RTE का क्या होगा और फिर RTE और इस पॉलिसी में क्या. तो मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी का क्या होगा ये पूछना होगा. बिकॉज RTE इज ए लॉ. If constitution exists, you know, the RTE will exist. And RTE is enacted by the parliament. And this policy is approved by the cabinet only. ये parliament में भी discuss भी नहीं हुआ, state governments में भी नहीं गया. ये policy law को strengthen करने के लिए मजबूत कर सकती थी, law को मजबूत कर सकती थी और law के दायरे को बढ़ा के सारे बच्चों को उसमें ला सकती थी. वो historic opportunity इसने खो दिया. They miss the bus, you know, in regards to universalization of education in the country from pre-primary to higher secondary. They have missed the bus, right? तो इसलिए ये तो मुझे लगता है कि ये घोषणा टाइप का है, ये घोषणा है. It's a public statement like 15 lakh and like 2 crore लोगों को रोजगार देंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ. और मैं समझता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ इस पॉलिसी का होने वाला है. तो ये है. हाँ, कुछ ये कर देंगे कि जैसे 10+2+3 की जगह स्ट्रक्चर वगैरह चाहिए. अब बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और मैं अनिता जी हैं यहाँ, तो उनसे मैं आई वांट टू टेक बेनिफिट दिस कि ये जो फाउंडेशनल लर्निंग की बात इन्होंने कर दिया
इसमें एज का क्या होगा, क्योंकि आरटीई कहती है कि क्लास वन जो है सिक्स ईयर चिल्ड्रन विल, मतलब जो उसका क्लास जो है वन होगा। अब ये फाउंडेशनल लर्निंग में जब ये फाइव ईयर्स हो जाएंगे और थ्री ईयर एंड फोर ईयर ये स्ट्रक्चर चलेगा, तो ग्रेड वन ग्रेड टू तो प्री प्राइमरी के साथ 3-6 के साथ मिल जाएगा। फिर क्लास वन की एज क्या होगी? नहीं, क्लास वन तो 6 साल ही रहेगी, पर ये और क्लास वन और क्लास टू बिल्डिंग वही स्कूल की ही रहेगी, पर ये उसको बुला रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज, तो इसलिए ये जो करिकुलम बनाएंगे उसका अलग बनाएंगे, आंगनवाड़ी का 3 साल और इनका 2 साल, और उसके बीच में भी उन्होंने कह दिया है कि 5 साल के बाद, मतलब 3 साल प्लस 1 साल को बाल वाटिका बुलाएंगे, मतलब ये सब चीजें उसको मिनिमलाइज करने के लिए कि करिकुलम में सिर्फ बाइफर्केट कैसे करेंगे, जैसे जैसे राइट टू एजुकेशन ने क्लास 6-14 तक ये दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बनाने हैं, बहुत सारे वो स्कूल्स हटा नहीं रहे हैं, ये नहीं कह रहे उन क्लासेस को हम आंगनवाड़ी में बिठाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे, तो इसलिए वो सिर्फ कह रहे करिकुलम जो है वो 1-5 साल का हम अलग बनाएंगे, और ज्यादा वो बच्चे तो 5 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल से अटैच होंगे या आंगनबाड़ी से अटैच? जहाँ पर आंगनबाड़ी नहीं है स्कूल के साथ, वहाँ क्या होगा? वो 2 साल स्कूल में ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्लास वन और टू वाले बच्चे स्कूल में बैठे होंगे, और सिर्फ फर्क उसे तो आंगनबाड़ी पढ़ाएगी ना, नहीं क्लास वन क्लास टू उसमें कोई वॉलंटियर्स भी आएंगे, कुछ ये भी आएगा, वो सब आ सकता है, क्योंकि वो सब अब फाउंडेशनल स्टेज वाले हो गए, बैठेंगे स्कूल में ही, सब कुछ बाकी स्कूल का ही होगा, तो वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बदलेगा नहीं, वहीं पर बैठेंगे वही। Yes. क्योंकि टीचर्स ने मुझसे ये सवाल किया, टीचर्स में ये बात उठ रही है कि अगर ये ग्रेड वन ग्रेड टू अगर आंगनबाड़ी के हाथ में चला जाए, जैसे 5 साल का जो कैरिकुलम है उस कैरिकुलम के हिसाब से अगर फिजिकल डिवीजन हो जाए और उनके लिए पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि वो प्ले वे से पढ़ाई होगी, उनकी एक्टिव उनका एक अलग कैरिकुलम होगा, तो उनका अलग टीचर होगा, तो टीचर वो आंगनबाड़ी होगी, तो फिर उनका कहना है कि क्या टीचर्स की स्ट्रेंथ प्राइमरी एजुकेशन में भी कम हो जाएगी? अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा कोई संदेशा नहीं है कि वो बच्चे वहां नहीं बैठेंगे या ये टीचर्स वहां जाएंगे, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं, जान के वो ऐसा उसमें ये कहा है कि हाँ वॉलंटियर्स प्लीज 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 इंग्लिश। Yeah, so I'm saying that right now they are not saying that those children will not be in school. So those children can continue to be in school, class one and two. The only thing that I see, which this calling it foundational stage is that one, the curriculum will be made a little more minimal. So the kind of critical things, the activities, the thinking concepts that children do even in one and two may not be done. And also volunteers can be called in here. So if a school has shortage, then for one and two, they can have some community member coming, some retired someone coming, as the policy says. So they'll take that kind of freedom, but right now it will be within school. And so they, yeah. Please. Yeah. And also, I think, I also have one thing to ask here, is that anyways, we also see that the ECE component in the Anganwadi is the most neglected kind of the component. And I think that was also a demand that we need a proper teacher at that level as well. And an Anganwadi worker cannot actually deal with that, which has not been addressed or even thought about in the policy. So they had said that we will give a 6-month certificate, online certificate to Anganwadi workers to deal with the curriculum. And those who are not 10 plus 2, we'll give them a 1-year diploma. So this is mentioned in the policy.
But I'm just saying that even in higher education, when they say we'll make the GER 50%, even there it is very clear that the thrust will be on ODL, open mm-hmm. distance learning. It's not going to be on actual physical infrastructure. क्योंकि कॉलेजेस तो एक कह रहे हैं कि 2,500-3,000 का एक कॉलेज होगा, सो ऑब्वियसली एवरीवन विल नॉट. ऑलरेडी हमारे 18,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्या है उनका हाल, क्यों कोई नहीं पूछता है. सो बट द होल थ्रस्ट इज गोइंग टू बी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. एंड दिस आंगनवाड़ी इशू इज वेरी हीटेड बिकॉज़ देयर आर लेस नंबर ऑफ ICDS वर्कर, यू नो. And they are not much educated, and they are not equipped with the capacity to deal with the teaching learning processes. Yeah. You know, yeah. And they are overburdened. They are overburdened. They have lot of work to do in the villages. So how can they teach children between these groups and they concentrate on teaching in that? I was actually really disappointed. That a member of the drafting committee, I had a podcast, the Hindu had a podcast with her and me, and she was in the drafting committee, and she was saying that no, we are we wanted the whole available resources to be helping in children's education, and we were told that the Anganwadi worker actually hugs the children and they sing to the children, so we thought they're the best. They'll be the best people. So, I mean, just look at the understanding of people in the committee who think that if they replace the parents, they hug them. So, ho gaya education. Yeah. Yes. I think there are a lot. Something tell about this school complexes in a brief. So what is the idea behind the school complexes? Because they are saying the consolidation will be happen within the 5-10 kilometer radius, they will form a school complex. I think Ambarish raised it, but it's clearly a resource saving mechanism. It's just trying to say that the complex, even subject teachers will be appointed at the complex, not in a school. So even though a middle school needs a subject teacher, a maths teacher or a English teacher or whatever, but they will not be appointed at school, they'll be appointed at the complex. So the complex teacher has to take responsibility and go teach in all the different schools of the complex. So that is completely trying to cut down on your personnel, on your teachers, and also on your resources. Sports jo hoga wo ek hi jagah hoga, sab jaake wahan kar sakte, you know. So that is the This is violation of the RT. Because instead of forming a school management committee in each school, they are going to form a school complex management committee. Yeah. This is the school, within that area, one committee will be constituted. That is the school complex management committee. So this is the violation of the RT and actually violation of the independence and sovereignty of a school and norms and standard also mandated by the RT. RT to bhul jaiye, matlab there are all violations of RT. Kya girenge aap? But we will be keeping this demand intact, that bring all this age group under the RT, and this universalization should be done through the right to education. I think there should be two demands. One is that bring the extension, but the first one is save the RT. You know, that should be the first demand. Yeah. दोनों को मत जोड़िए, because वो bargain कर दिया उन्होंने, barter कर दिया कि RT नहीं, अब सबको लाना है, तो इसमें सब इसी मॉडल में आएंगे. और आपको आपको मालूम है, एक जगह उन्होंने SSC और
आपने अनीता जी को बुला लिया, अनीता जी के साथ भी हम लोग स्टूडेंट की तरह बात करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे खुद को बहुत मजा आ रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग दिस थोरली, एंड आई थिंक आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, आई थिंक एवरीबॉडी इज इट्स बीन रियली रियली एनरिचिंग, बट व्हाट आई एम आल्सो अंडरस्टैंडिंग इज दैट टाइम, so I think maybe one thing which I can say is that there are follow-up discussions will be required to understand each aspect in detail, like mother tongue in itself needs a lot of contemplation. Then there were questions around vocational learning and how it is going to impact when you see it vis-a-vis the child labor laws and relaxing of child labor laws and all. So I think that is another issue of contention that we need to really understand. So there are many much points, so this can be like a starting point, and we can think of further having more webinars or discussions on, actually this was like getting an idea about the policy and how, what it talks about and what it is dishing out. So it, I don't want to, but I will have to and I think we can continue this offline also, and there are questions I would like to communicate it with you wherever there are questions, if after this call also there are questions that keep coming. So I would like to now request our CEO Neelam ma'am to just say something to continue. Yeah. So thank you, such enriching conversation. Thank you, Amrishi. Anita ji, I became your fan when I read your editorial in Times of India the weekend before. And your first statement in that was the timing. It's so amazing on the timing that, you know, the parliament is not in session and educational institutions are closed. So I felt ab isko padhna hi hoga. You know, you always look at the first few statements and then you think, okay, this is a good one to read. So I've cut it out. I made photographs of it and sent it to Ekta and everybody else who was interested. I thought you made really good points. So I've become a fan of yours. And after hearing you today, I think I'm a bigger fan of both of you. And I would really like you to be associated with Child Fund. Ekta ka passion is oozing. So she also might need a mentor like you on education and what Child Fund can do for children. I mean, I learned so much today only on the last points that Ekta raised as we were closing on child labor. And so we do a lot of work under child protection also. So hamara bahut zyada focus rehta hai child labor pe aur early marriages pe. And you know, if this education policy fails the general, the poorer of the poor, then those issues will get bigger and larger. And because of COVID anyway, we were saying, you know, there'll be millions of children who will now be forced into child labor and all the other abuses that happen to children. So it is so, so important that we actually have an education system that encourages children to stay in school and continue with it, because the implications of not giving children the right and enabling environment has too many other problems associated. The abuse, the violence, everything comes from it. So, I mean, I saw one question in the chat box that said, can we stop it? Can we stop this policy from happening? So, I think Ekta did read it, but I think it is people like you who are our stalwarts and, you know, who we look up to for this. I think whatever needs to be done has to be done with you and by you. But organizations like my organization, we would always want to back you up and support you because we also feel how difficult it is going to be from now on because of COVID and the migrants and the children. There are no schools left for children to go to. They are not registered in their home places. So there's so much more coming out. So I do hope that you will stay connected with us. I am totally a fan of yours. So, and I that we need much more of learning from your end. So thank you so very much for joining with us this evening. And I totally am impressed, totally impressed. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks so much. Thank you. Thank you. All of us together have to try and stall many of these things. I mean, it's a larger campaign which we need. Absolutely.
I'm very happy to join hands with you if you're in that direction. Yes, yes, we have to. Especially in states. Like yeah. I know many of people from our organization immediately were called by Tamil Nadu, and the party there has taken a very strong, I mean, Stalin, DMK, they've made a very strong statement that this policy is against inclusion. Yes, yes. And I think the only states who, one of the, I think you also said it, but somewhere else I read that the inputs from the states were completely ignored, the non-BJP states. So those were ignored. So now, as it is, poor people don't know where to go, you know, even for basic needs. So agar all the states will have a big contradiction in what education looks like, the lesser people will make an effort to go. Yeah. And then it gives rise to other abuses. So I think we are in a very dangerous place. RT was good, only it needed a bit of tweaking, I think, a bit more inclusion and a bit more tweaking. But I think we are in a not a very good place. So let's all join hands and see what we can do to make it a more inclusive policy. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thanks so much. Thanks, Neelam. Thanks, Anita ji. Bye, darling. Bye. Thank you.